सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, आज हम यहां पर फैमिली सोलेनेसी के एक मेंबर दतूरा को डाइसेक्ट करके देखने वाले हैं कि इसके फ्लोरल पार्ट किस तरीके के होते हैं। सो आई गॉट अ फ्रेश फ्लावर ऑफ दतूरा एंड आई गॉट अ फ्रेश फ्रूट ऑफ दतूरा। सो इनको जो है हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें फ्लावर को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हम फ्लावर को सेपरेट कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव रिमूव द लीव्स एंड वी गॉट द फ्रेश फ्लावर। तो अब हमारे पास एक फ्रेश फ्लावर आ चुका है, इसके अंदर जो है हम सेपल पेटल एंड रोशम गायनोशम की अरेंजमेंट देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स। ओके, हम कैलिक्स की बात करने वाले हैं जो कि आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है आपके फ्लावर को इन द बड स्टेज। सो वी आर मार्किंग ओवर हेयर कि यहां पर हमने जो है इसे काट दिया है, वी हैव मार्क्ड इट कि ये आपका फर्स्ट जो है आपका सेपल है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, देन ये आपका सेकंड हो गया, देन ये आपका थर्ड हो गया, देन ये आपका फोर्थ हो गया एंड देन ये आपका फिफ्थ हो गया। इसके बाद अगर आप इसे घुमाएंगे तो आप सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट था, देखो यहां पर हमने काटा लगा रखा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे देन दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज फोर्थ, देन दिस इज फिफ्थ एंड दोबारा से जो है आपकी फर्स्ट पोजीशन पर, कांटे वाली पोजीशन पर पहुंच चुका। यानी ये क्या हुआ, ये आपके जो कैलिक्स हैं ये पांच होते हैं नंबर में और ये सारे के सारे आपके फ्यूज्ड हैं। देखो यहां पर आपकी फ्यूजन हो रखी है। ये सारे अगर सेपरेट होते तो किस हिसाब से होते, ये सेपरेट होते तो ये नीचे तक जो है बिल्कुल आपके डिफरेंट देखने को मिलते, इनमें नीचे तक जो है आपका चीरा लगा हुआ होता, लेकिन यहां पर ये जो है आपके ऊपर ही फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि सेपरेट। ओके, सो यहां पर अगर आप इनको रिमूव करोगे तो आपको नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहां पर हमने क्या किया है, इसके बाद हमने आपका क्या निकाल लिया, हमने पेटल निकाल लिया। ओके, बीच में से थोड़ा टूट गया था, सो वी डू हैव अनदर फ्लावर एज वेल, सो हम उससे भी ट्राई कर सकते हैं। उसको भी मैंने पहले से आपका काट के रखा हुआ था। सो ये जो है आपका दूसरा फ्लावर है, राइट, ये भी दतूरा ही है। इसमें भी आपके क्या मिलेंगे, अब पांच पेटल भी मिलेंगे। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, दिस इज पेटल नंबर वन, दिस इज पेटल नंबर टू, दिस इज पेटल नंबर थ्री, दिस इज पेटल नंबर फोर एंड दिस इज पेटल नंबर फाइव। और आपको जानकर खुशी होगी ये भी सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। अगर आप इसको खोलकर देखें इस हिसाब से तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट दिस इज ऑल्सो फ्यूज्ड, राइट। अदरवाइज इन सब में पूरा का पूरा चीरा लगा हुआ होता, ये भी सारे के सारे आपके फ्यूज्ड हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से देखने को मिलेंगे। सो लेट्स हैव अ स्मॉल कट ओवर हियर, हम यहां से इसको काट लेते हैं जैसे कि हम इसके अंदर के पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग सेपरेट कर सकें। तो आप इसे डायरेक्टली भी फाड़ सकते हो तो आपको अंदर एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो कि आपको अभी से दिखना स्टार्ट हो गई होगी। दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कुछ छूटा नहीं है, या दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, राइट। सो आप यहां पर गिन भी सकते हैं, अगर आप इसको पूरा रिमूव करें देन यू विल बी काउंटिंग ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी मेल पार्ट एंड ईच एंड एवरी फीमेल पार्ट। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द एंथर, ओके, दिस इज द एंथर ऑफ अ स्टेमन। और उसके नीचे जो लॉन्ग स्टॉक है ये क्या है, आपकी फिलामेंट है। ये भी आपका एंथर है और इसके नीचे लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट है। तो इसको अगर आप पकड़ के काट लें, ओके, अगर आप इसे काट लें तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द एंथर एंड नीचे आपका फिलामेंट। ये क्या हो गया, आपका स्टेमन हो गया। और ऐसे पांच स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, एक मैंने यहां पर रिमूव कर दिया है एंड रेस्ट ऑफ द फोर स्टेमन्स आर दिस विच यू आर हैविंग अ लुक एट, राइट। तो ये आपके बचे हुए चार स्टेमन्स हैं, तो पांच के पांच स्टेमन आपके यहां पर प्रेजेंट रहते हैं जो नीचे की साइड में जाकर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड तक आपके क्या रहते हैं, फ्यूज कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपका फीमेल पार्ट है, दिस फीमेल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका स्टिग्मा पार्ट है, देन देयर इज योर स्टाइल और नीचे आपका बल्ज पार्ट होता है ओवरी जो कि यहां पर जो है थोड़ा अटका हुआ रह गया, राइट। ये जो आपका बल्ज पोर्शन है दैट यू आर लुकिंग ओवर हियर, ओके, दिस इज द पर्टिकुलर बल्ज पार्ट या आपका ओवरी है, ओके, इसके अंदर आपका जो है आपको फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका दतूरा की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, विच यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीना टपक रहा है, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस बट आई कैन डू यू नो आई कैन डू एनीथिंग इन दैट, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो हमारी ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। एंड दिस इज द फ्रूट, ओके, इस फ्रूट में आपका क्या क्या रहता है, इस फ्रूट में आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स रहते हैं जैसे कि हायोसायमिन या फिर एट्रोपिन या फिर स्कोपोलैमिन। तो ये सारे जो रहते हैं आपके इंसेक्ट रिपेलेंट्स रहते हैं, ओके, और इसीलिए इसको आपका पॉइजनस फ्रूट भी कहा जाता है। इसके अंदर काफी सारे सीड्स रहते हैं, तो जब आप इसे कट करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर मैच्योर स्टेज में क्या रहता है, काफी सारे सीड रहते हैं और वो सीड जो है आपका बेहतर तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं सो दैट यू कैन यू नो सो दैट दीज प्लांट्स कैन यू नो जस्ट रिप्रोड्यूस, ओके, ये प्लांट्स जो है जिस हिसाब से आपका बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाए। तो सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर आर अ लॉट ऑफ सीड्स, ये आपका काफी यू नो स्पाइनी होता है, काफी ज्यादा स्पाइनी होता है, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारे सीड देखने को मिलेंगे। अगर आप
यू नो इस पे देख सकते हैं, अगर आप स्कैल्पल पे देख सकते हैं तो आपको काफी सारे सीड दिख रहे होंगे और आपको यहां पर भी दिख रहे होंगे कि काफी सारे सीड्स जो आपके बाहर आ चुके हैं। सिमिलरली जब आप इसे और काटेंगे इसके अंदर आपको काफी सारे इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर आपको सीड देखने को मिलेंगे जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ दिस फ्रूट वॉल एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं आपका बेहतर तरीके से जो है अलग अलग जगह पर जाकर आपके दतूरा को गिव राइज कर सकते हैं। सो अब आपको यू नो हमेशा याद रहेगा कि आपके जो यू नो सेपल्स थे वो आपके पांच थे, पेटल्स आपके पांच थे, उसके बाद आपके यू नो एंड्रोशियम आपके पांच थे यहाँ पर, यानी कि आपके स्टेमेंस आपके पांच थे बेसिकली, और गाइनोशियम आपका यहाँ पर सिंगल था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस लार्जर वन इज द गाइनोशियम, सो दैट्स वाई इसे आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी कभी नहीं भूलेंगे। सो आई होप दैट यू रियली लाइक दिस डाइसेक्शन, इफ यू रियली फाउंड इट बेनिफिशियल देन प्लीज गिव दिस चैनल प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ओजोन क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।